आप चैप्टर वाइज OMR शीट लगाते रहे, OMR शीट में आप प्रैक्टिस करें और आंसर की से मैच करें। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए हमने एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर फ्री प्रैक्टिस बैच भी निकाला है जिसकी क्लासेस 11 जून से होंगी। ये सब कुछ आपको मात्र 249 रुपए में एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ये आप जो लास्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो उससे आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन करेगा। आपको अपने पेपर में 50% से ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से सीधे मिलेंगे, तो आप देर ना करें, सीधे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर महाभारत ऑनलाइन ऑर्डर करें अपने घर पर मात्र 249 रुपए में। जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,000। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आपके लिए एक नई वैकेंसी की खुशखबरी है, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसने कुछ वैकेंसी निकाली है, और ये किन किन फोर्स में है, किन किन पोस्ट पे, समझिएगा। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो ASI, जिसको स्टेनो वाले जो ASI होते हैं, जो आपको ऑफिस में जो ये पैरामिलिट्री के ऑफिस होते हैं वह आपको ऑफिस वर्क करते हुए जो ASI मिलते, तो एक इसमें पोस्ट किसकी हो जाती है, ASI स्टेनो, जिनको शॉर्ट हैंड वगैरह आनी चाहिए, ठीक है भैया। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसको HCM कहते हैं, ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, केवल BSF में नहीं, सब में। और एक होते जात साथी जिसको पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, वारंट ऑफिसर भी कहते हैं, और एक पोस्ट है हवलदार क्लर्क। एक पोस्ट क्या है, हवलदार क्लर्क। तो ये वैसी वाली पोस्ट है, एक तो होती है जो GD वाली निकलती है, उसे तो SSC कराती है। बाकी चार पोस्ट निकली है, एक हो जाती है आपकी ASI स्टेनो, एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एक पर्सनल असिस्टेंट PA जिसको कहते हैं, और हवलदार क्लर्क। ये जितने भी आप देखते हैं CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है उनमें भी है, और इसको हवलदार क्लर्क वारंट ऑफिसर जो है ये असम राइफल्स में। इसमें याद रखिएगा 9 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी, मतलब 9 जून से 8 जुलाई तक फॉर्म। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इस बार ये इन सभी के लिए, सारी पैरामिलिट्री के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इसमें मेल और फीमेल, महिला पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, महिला पुरुष इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें किसमें कितनी वैकेंसी है, महिला पुरुष SC ST OBC सबके लिए ध्यान दीजिएगा। CRPF में मेल फीमेल दोनों, जनरल की 8, TWS की 2, OBC की 6, SC की 3, ST की 2, टोटल 21 सीट है। और ये किसमें 21 सीट, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और वारंट ऑफिसर जिसको पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं। BSF में टोटल 17, वहीं ITBP में टोटल 56, वहीं देखोगे CISF में टोटल 140 और SSB में कितनी है, 3। तो इसमें CSF में सबसे ज्यादा है और सेकंड नंबर पर ITBP। और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हवलदार क्लर्क है उसमें CRPF में 282, BSF में 302, थोड़ा सा लाइट वो बीच में, यहाँ पे बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है तो लाइट दिक्कत कर रही थी, इंटरनेट दिक्कत कर रहा था। तो मैंने कहा कि हेड कांस्टेबल CRPF में 282, BSF में 302, ITBP में 163, सबसे ज्यादा CSF में 496, SSB में 5, असम राइफल्स में 35। तो ये सारी की सारी वैकेंसी है जिसमें 10% एक्स सर्विसमैन के लिए। आपको किस वेबसाइट से फॉर्म भरना होगा, 9 जून से फॉर्म आ रहा है, recwt.bsf.gov.in। अब कहोगे सर इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है, आयु क्या है, इन सब के बारे में। साथ ही जब इसका 9 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा तो तभी आपको वीडियो बना के अच्छे से एक चीज बता देंगे, फ्री क्लासेस के कैसी तैयारी या पेड कोर्स से कैसी तैयारी, वो सारी की सारी चीजें, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से बता देंगे। बहुत अच्छे अध्यापक मौजूद हैं, BSF वगैरह की RM की हम लोग पहले भी करा चुके हैं, जो मिनिस्ट्रियल होती है, तो आप सभी लोग अच्छे से इसमें एग्जाम के साथ तैयारी कर सकते हैं। आप सभी लोग 9 जून का वेट करें जब इसका फुल फॉर्म आएगा, मतलब पूरा का पूरा। अब इसमें ASI की वैकेंसी है, हवलदार क्लर्क की वैकेंसी है, इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है, और एक वारंट ऑफिसर जिसको पर्सनल असिस्टेंट कहा गया है उसकी वैकेंसी है। महिला पुरुष दोनों के लिए 9 जून का इंतजार करो, निश्चित रूप से पूरी जानकारी देके इसकी संपूर्ण तैयारी कराएंगे। बाकी आप अन्य जानकारी के लिए एग्जाम प्रो को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ बने रहना। अब सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से
पूरी मेहनत के साथ हम लोग यहां पर तैयारी कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है साथी, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। इससे संबंधित और कोई न्यूज आएगी, एलिजिबिलिटी, आयु, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, वो भी आप सबको बताया जाएगा। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एग्जाम पुर के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चा। थैंक यू। जय हिंद। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के री एग्जाम की संपूर्ण अंतिम तैयारी के लिए हम लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एक महाभारत नाम से कॉम्बो लेकर आए, जिसमें आपको निम्नलिखित चीजें मिल रही है। एक मानसिक अभिरुचि बाइलिंगुअल, जिसमें 360 से अधिक क्वेश्चन है, और जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, सबके चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी टोटल संख्या 3,600 से ज्यादा है। इसके साथ आपको आंसर की अलग से ओएमआर शीट मिल रही है कि आप चैप्टर वाइज ओएमआर शीट लगाते रहे, ओएमआर शीट में आप प्रैक्टिस करें और आंसर किसे मैच करें। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए हमने एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर फ्री प्रैक्टिस बैच भी निकाला है, जिसकी क्लासेस 11 जून से होंगी। ये सब कुछ आपको मात्र 249 रुपए में एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ये आप जो लास्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, उससे आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन करेगा। आपको अपने पेपर में 50% से ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से सीधे मिलेंगे। तो आप देर ना करें, सीधे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर